हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार ड्राइवर लगभग चलने वाली है 2000 किलोमीटर, लगभग हो ही जाएगा इतना। अब फिलहाल मैं इंदौर से निकल चुका हूँ मेरी टीम को लेने। टीम में हमारे सारे परिवार वाले लोग ही है। इस टीम को आप जीजा सालिट ग्रुप बोल सकते हो। तो हम लोग फुली लोडेड गाड़ी करके खाटू श्याम जी जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं इंदौर से अभी 130 किलोमीटर जुलवानिया जा रहा हूँ। वहाँ से हमारी ड्रीम और हमारी ट्रिप रेडी होके निकल जाएगी अभी दिन में 2 बजे। थोड़ा सा काम है, परिवार वालों से मिलना भी है उसके बाद में। हाँ, तो ये लॉन्ग ट्रिप में आपको ड्राइवर का मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि इस चीज़ को आप टैक्सी सर्विस में चला सकते हैं कि नहीं, लॉन्ग ड्राइव में कितना एवरेज देती है, एवरीथिंग। मैंने अभी सीएनजी नहीं करवाई है, सब कुछ मैं आपको पेट्रोल पे ही बताऊंगा फिलहाल। तो पेट्रोल पे ये कितना सफर करती है, कितना लोड आता है, कितना खर्चा लगता है, आप लोगों को ये सारी चीजें इसमें पता चलेगी। आप लोगों को एवरेज बता देता हूँ। वही पिछले ब्लॉग में आपने देखा था 13 पॉइंट के कुछ चल रहा था, तो अभी 13.7 है। तो मैं जहाँ से ट्रिप स्टार्ट होगी एक्चुअल में, वहां से आप लोगों को इसको जीरो करके बता दूंगा। तो फिर जो सफर के मजे हैं, मतलब यहाँ से खाटू श्याम जी जो मैं रूट पकड़ूंगा, इसको मैं राजस्थान 2.0 नाम दे रहा हूँ। क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तब राजस्थान की ट्रिप करी थी, तो मैंने राजस्थान का एक पोर्शन उस टाइम पे खत्म कर दिया था। तो मैं सेम रूट से ही जा रहा हूँ फिलहाल, जहाँ से एंट्री करते हैं सांवरिया सेठ। और आज भी वहीं पे हमारा पहला स्टॉप सांवरिया सेठ ही रहेगा। और वहां से मैं रूट चेंज करूंगा। पहले मैं सांवरिया सेठ, उदयपुर, नाथद्वारा और जोधपुर, रामदेवरा और जैसलमेर गया था। और अब हम रूट पकड़ रहे हैं सांवरिया सेठ से चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, खाटू श्याम और सालासर बालाजी। ये है मेरा प्लान। अजमेर के आसपास पुष्कर उष्कर भी हम लोग जाएंगे, जितना पॉसिबल हो सकता उतना कवर करेंगे। और ड्राइवर वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही अवसम और बहुत ही अच्छी जानकारी वाला होने वाला है। अगर इस गाड़ी को आप लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं तो क्या दिक्कतें करती है, क्या दिक्कतें आएगी, नहीं आएगी, हीट होती है, नहीं होती है, कितना एवरेज देती है, सब कुछ भरमार इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। वेलकम बैक टू द माई विलेज। और ये देखो भाई गाड़ी धो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, 2 बज गई अभी तक, पर अभी तक निकले नहीं है। और इस लेट होने का पूरा श्रेय जाता है यहाँ के टीचर को। क्या नाम है? दिलीप बघेल, वो खड़े उधर। जैसे जैसे बंदे सामने आते जाते सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। लो, कौन कौन बैठ रहा आगे? श्री गणेश। हाँ यार, कर लो, कोई और ही कर लो, मैं तो आ रहा था तो बिल्ली आ गई थी सामने। गोलू चला लेगा। तो पूरी टीम को इकट्ठा करने में अपने को लग गए 2 घंटे। और जिसमें तो सबसे लेट हुए है हमारे मार्ट साहब। हम पूरे बैग वेग रखने के बाद बोलते हैं, बोले यार गंदी गाड़ी नहीं ले जाएंगे। तो गंदी गाड़ी इन्होंने धुलवाई है, अभी मिलवा रहा हूँ, मैं सभी को मिला रहा हूँ। मिला था जस्ट बाजू में बैठे अपने जीजाश्री। ये इको में प्रोफेशनल है इको चलाने में। अभी जुलवानिया में एक और को बिठाना है और उसके बाद में डिग्री में, तो जाते हैं पहले यहाँ से। हाँ, ये जीरो हो गया ना, और दबाओ। नहीं, इंस्टिक और दबाओ। हाँ, नहीं हुआ अभी, रुको। हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। अरे एवरेज अपन चेक करेंगे ना यार, लॉन्ग ट्रिप पे कितना दे रहा है। गोलू कहाँ से बैठ रहा था? अरे मैं रास्ता देखो, नहीं तो मैंने कैंसिल मारा यार। ये कैंसिल मारेगा? वाह यार गोलू। पहले एक बात बताओ, देखो अभी पहले क्या बोल रहे थे यार, मैं हिसाब किताब नहीं करूं। अब डिक्लेयर हो गए ना तुम मैनेजर हो, गोलू ने कर दिया तुमको। तो भाई खाटू नरेश की जय, सांवरिया सेठ की जय, सांवरिया सेठ की जय।
कहाँ तक पहुँच गए? किला कौन सा है? वो दिल इंडिया। कहाँ तक पहुँच गए? लाल किला। अभी पहुँचे हम लोग धार। दिल्ली का? हाँ, धार पहुँच गए धार। ये कौन सा लाल किला? दिल्ली का। हेलो एवरीवन, तो बदनावर जस्ट क्रॉस किया रतलाम रोड पे हम लोग है, सावरिया बीच से जो फोर लाइन वाला रोड है वहाँ पर है हम लोग, और 150 किलोमीटर के समथिंग राइड हो चुकी है और गाड़ी एकदम फुली लोडेड है, 7 लोगों से भरी हुई, और अभी एवरेज देखते हैं क्या है, तो कुछ लोगों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे निराले जीजू। क्या जीजू, ये कैसा क्या लग रहा भाई? 150 किलोमीटर में गाड़ी एकदम फुली लोडेड चल रही है और अभी तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, अभी 150 किलोमीटर के समथिंग हो गया है और 16.5 एवरेज बता रहा है, और अभी 400 किलोमीटर का रनिंग है हमारा आज का, और अभी हमारे ड्राइवर हेवी ड्राइवर ये हैं फिलहाल, शुरू से लेकर अभी तक, और हमारे एक को पैसेंजर उधर है, अभी फिलहाल उनको उपाधि दी है छोटू भैया की, पोचा ओचा मारते रहते हैं। पहले क्या मैनेजर बना था पर उनको जमा नहीं। हाँ, तो यहाँ से अब निकलते हैं हम लोग रतलाम मंसूर और निम्बाड़ा के आसपास। अब मंसूर के आसपास हम कोई ढाबा वाबा देख के खाना वाना भी खाएंगे और आपको वहाँ पर फिर से एवरेज बताता हूँ। और पावर वगैरह की कोई कमी नहीं लग रही है, जीजू चला रहे, जीजू ने बताया था कि बढ़िया गाड़ी चल रही है और वो हमारे वेल एक्सपीरियंस ड्राइवर है इस मामले में। हाँ, बस ये है कि फुली लोडेड गाड़ी रखने में ना थोड़ा सामान रखने में दिक्कत आती है, पर बीच वाली सीट के आगे काफ़ी दो बैग रखा जाते हैं, एक सबसे आगे वाली सीट के वहाँ पर खाने का सामान हो गया, बाकी पीछे हमारी सीट बैग हो गया। यहाँ पर ये जैसे 4 बैग इसमें रख दिए और पीछे एक हो गया। चलो आप बैठते हैं और सब रेडी हो गए। जस्ट टोल पार किया है और हम म्यूजिक करवा रहे हैं जिसमें गाड़ी चालू करने का बोला है। दो भाई साहब, तो पीयूसी की खास जरूरत, वैसे तो पीयूसी की खास जरूरत थी नहीं, बट क्या है बस ऐसे ही कि पुलिस वाले रोके नहीं और पूछे तो बस एक बताने का डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि 1 साल तक पीयूसी लगता नहीं है। हाँ, एक में इनको भी मिलवा दिया, सभी कुछ औरों को मिलवा दिया है, बाकी अभी हमारा वो गोलू बच्चा जो भुट्टा देख रहा है मतलब भुट्टा सिखवा रहा है, इससे मिलवाना बाकी है, ये हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट है। तो हम लोग आ चुके हैं 270 किलोमीटर के समथिंग मंसूर के पास में, और अब मैं आप लोगों को एवरेज बता देता हूँ। भाई गाड़ी ने बहुत बढ़िया एवरेज निकाला है, देखो भाई अभी तक उसने गाड़ी ने 17 का एवरेज दे दिया है, फुल टैंक करवाया था, अभी भी पेट्रोल काफ़ी बचा हुआ है, तो सावरिया सेट 400 किलोमीटर के समथिंग है, और वहाँ जाके आप लोगों को पहुँच के मैं एवरेज बता देता हूँ। जीजू जब तक चला रहे था तब तक 16.67 के आसपास था, फिर मैंने ड्राइव ली, मैं काफ़ी दिनों से गाड़ी चला रहा हूँ तो अच्छे से समझता हूँ इसको, तो 17 का एवरेज आ चुका है। गाड़ी ऑल टाइम हाईवे पर चली है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह में भी गई है वैसे तो। तो देखो मतलब ऐसा है कि आप एक लॉन्ग ट्रिप पे अगर जाते हो तो ये आराम से 17 का एवरेज देती है और 16 का भी देती है। अभी आगे और चलेंगे वो तो, ये तो बस एक 270 किलोमीटर का आपको रिव्यू दिया है, इसके बाद में हम घूमेंगे और फिर रुकेंगे और पूरा देखेंगे 2000 किलोमीटर के अंतर्गत मतलब कितना क्या एवरेज निकालती है। बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में, हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, पर आज का दिन पूरा ना ट्रैवल में निकला है, तो उस चीज़ को आप ये मत समझिएगा कि इस व्लॉग में घूमने से रिलेटेड तो कुछ है नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने प्लान ही ऐसा करा था कि दोपहर में निकलेंगे और रात तक सवारियाँ सेट पहुँचेंगे और कल से घूमना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं मंसूर के पास में, खाना खाते हैं और बस निकलते हैं यहाँ से सवारियाँ सेट के लिए। सेट आ चुके हैं हम लोग, सवारियाँ सेट पहुँच चुके हैं, को किलोमीटर और 400 किलोमीटर का समथिंग गाड़ी चल गई और 17.1 मतलब बढ़िया एवरेज दे दी भाई ड्राइवर ने, टर और एवरेज सब कुछ बता दिया है और कांच वगैरह सब कुछ चढ़ा दिए हैं। 2 मिनट,
होटल ले लिया है, बस अब होटल में आराम करेंगे और सुबह दर्शन के लिए जाते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, कल मिलते हैं सवारी सेट के, बिल्कुल आपको दर्शन करवाते हैं बढ़िया से और आगे का व्लॉग फिर से चालू करेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।